तो दोस्तों गोवा तो हम रात में पहुंच गए थे, लेकिन आपको नहीं दिखाया था हमने अपना ये होटल। होटल का नाम है गोल्डन ट्यूलिप और हम यहीं रुके थे। अब हम आपको गोल्डन ट्यूलिप के अंदर का भी नज़ारा दिखाते हैं। ये इसका रिसेप्शन एरिया है और ये इस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पे आप बैठकर वेट कर सकते हैं जब तक आपको आपका रूम नहीं मिल रहा है। और इसी के पास है स्विमिंग पूल। मैं बाहर जाके आपको दिखाती हूँ। ये जिम एरिया है, ये स्विमिंग पूल है। यहाँ पर दो स्विमिंग पूल हैं, एक बन रहा है और एक पहले से ही बना हुआ था। और इस तरह से कुछ गोल्डन ट्यूलिप का ये सिटिंग अरेंजमेंट है। रिसेप्शन एरिया काफ़ी बड़ा है, ये आप देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा होटल है ये, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको ले चलती हूँ। ये दूसरा स्विमिंग पूल है जो कि अभी बन रहा है, स्टार्ट नहीं हुआ है। और इसके साथ ये बाहर का नज़ारा है, ये देखिए बाहर का। काफ़ी बड़ा है ये एरिया और काफ़ी ग्रीनरी है और काफ़ी सुंदर है, मतलब बना हुआ, ये देख सकते हैं आप। और ये जिम है जहाँ पर आप अपना वर्कआउट कर सकते हैं डेली का। और थोड़ा सा किड्स प्ले एरिया भी है जहाँ पर आप किड्स के साथ इंजॉय कर सकते हैं, आपके किड्स भी इंजॉय कर सकते हैं। और इस तरह से इसका बाहर का आउटलुक है। आपने देखा होगा पहले हम यहाँ खड़े थे। और ये थोड़ा सा पार्किंग का भी एरिया है। मैं आपको रूम टूर पे ले चलती हूँ। ये एंटर डोर है और इसके साथ ही ये कबर्ड है। स्लाइडिंग डोर लगे हुए हैं और स्लीपर्स हैं, ये देखिए स्लाइडिंग डोर। और ये आपका लॉकर है, आप इसे सेट करके इसमें अपनी कीमती सामान रख सकते हैं। ये टी पॉइंट है जहाँ पे ये सारे अवेलेबल हैं चीज़ें। यहाँ पर आप अपने हिसाब से चाय कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, बना सकते हैं। और ये है थोड़ा रूम का टूर, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से कुछ आपका ये रूम होगा। ये डबल बेड है, इसका इंटीरियर लुक मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा। ये देखिए कितना सुंदर है रूम। और इसके साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ, ये टीवी कैबिनेट है, टीवी लगी हुई है, आप अपने मनोरंजन के लिए टीवी भी देख सकते हैं। और ये एक सोफ़ा लगा हुआ है, सोफ़ा नहीं सोफ़ा कम बेड है जो कि बेड भी बन जाता है एक टेबल के साथ। और ये एक टेबल चेयर है जहाँ आप ऑफिशियल वर्क कर सकते हैं अपने। और ये बालकनी है, मैं दिखाती हूँ अभी, एक मिनट, इधर से खुलेगी शायद। बालकनी के साथ स्विमिंग पूल का नज़ारा। और यहाँ पे भी टेबल और चेयर लगे हैं कि आप शाम को यहाँ पे टी कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए नीचे स्विमिंग पूल भी दिख रही है। और साथ ही पूरा होटल का ओवरव्यू आपको दिखा रही हूँ मैं। ये देखिए ये इस तरह से ये सोफ़ा कम्बेड हो जाता है, तो अगर आपके साथ कोई एक्स्ट्रा है तो वो भी यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको वॉशरूम का ओवरलुक दिखा देती हूँ। ये है वॉशरूम और ये मैग्नीफाइंग ग्लास और नॉर्मल मिरर, साथ ही ये शावर का एरिया अलग से दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। और टॉवल वगैरह रखे हुए हैं, ये देखिए मैं लाइट जला देती हूँ। और सोप डिस्पेंसर लगे हुए हैं यहाँ पे, सोप के लिए छोटी छोटी वो बॉटल्स नहीं लगी। के साथ ही यहाँ पर ट्रे में आपको टॉयलेट्रीज किट दिख रही होंगी, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, लाइक डेंटल किट, शेविंग किट और साथ ही कोम वगैरह सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। साथ ही ड्रॉअर में एक्स्ट्रा टॉयलेट पेपर रोल भी है, सॉफ्ट टिश्यूज़ सब कुछ अवेलेबल है। और वो जो दो होल्डर आपको दिख रहे हैं उसमें एक में शैम्पू है और एक में शावर जेल है। अब हम आ चुके हैं बागा बीच पर और ये देख सकते हैं आप बागा बीच का नज़ारा। बागा बीच यहाँ का फेमस बीच है गोवा का। गोवा में सारे बीच पर आपको अलग अलग मतलब ओवरव्यू मिलेगा। यहाँ पर कुछ इस तरह से है, वहाँ सिटिंग अरेंजमेंट है, आप देख सकते हैं अम्ब्रेलास लगे हुए हैं। और यहाँ पर आप समुद्र की लहरों को एंजॉय कर सकते हैं। जब भी आप गोवा आएँ तो तीन चार बीचों के नाम ज़रूर याद रखें, जैसे बागा बीच फेमस बीच है और साउथ में अंजुना बीच है, कैंडुलम बीच है
और कैलीगट और पेलोलम बीच, ये यहाँ की फेमस बीच हैं। और इसके अलावा भी कई सारी बीच हैं, बीच तो हैं ही बहुत सारी यहाँ पे, बट अगर आपने इन 3-4 बीचों को नहीं देखा तो आपने मतलब गोवा नहीं देखा। शाम को आप बागा बीच और अंजना बीच में इनके किनारों पे बने हुए रेस्टोरेंट में आप पार्टी वगैरह भी इंजॉय कर सकते हैं। तो दिन के समय हमने बागा बीच पर इंजॉय किया। जब भी आप बागा बीच या किसी भी बीच पर आएँ तो अपने मोबाइल फ़ोन्स को ठीक से कवर करके ही रखें, हो सके तो ज़्यादा सामान ना लाएं बीच पर, सिर्फ ज़रूरत का सामान ही लाएं क्योंकि भीग भी सकता है, और स्लीपर्स ही पहन कर आएँ क्योंकि स्लीपर्स जो हैं वो पानी में जाने के बाद आपके ख़राब नहीं होते। जो वाटर प्रूफ स्लीपर्स होते हैं, नॉर्मल जिन्हें चप्पल्स बोलते हैं। तो सुबह सुबह हम आ गए थे बागा बीच, अब हम यहाँ से जा रहे हैं कैंडुलम बीच। दोस्तों अब हम आ गए हैं बागा बीच से कैंडुलम बीच, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी लहरें हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे हम सुबह सुबह ही आ गए थे लगभग 11 बजे के करीब, और बारिश का मौसम था तो इसलिए थोड़ा मौसम भी बहुत ही मतलब अच्छा था, धूप वगैरह नहीं थी, और इंजॉय किया हमने कैंडुलम बीच में। दोस्तों गोवा के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहती हूँ, जैसे आपको यहाँ आने के बाद पता चले तो ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि अगर आप स्पेशली गोवा वाटर राइडिंग या फिर वाटर स्पोर्ट्स के लिए आ रहे हैं तो फिर आप समर्स में या फिर विंटर्स में ही आएँ। 1 जून के बाद सारी राइड्स वगैरह और सारे वाटर स्पोर्ट्स बंद हो जाते हैं क्योंकि बारिश का सीज़न स्टार्ट हो जाता है, तो मानसून सीज़न में हाई टाइड्स ज़्यादा होती है तो इसलिए रिस्क ज़्यादा होता है। अदरवाइज आप वेव्स को एंजॉय करने आ रहे हैं, पार्टी करने आ रहे हैं, तो आप मानसून सीज़न में ज़रूर आ सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे गोवा में और कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय बाय।